घर एक जन्नत। मैं वलीद से कहूंगी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। जरीन ने बताया था कि हर दो हफ्ते में तुम्हारा चेकअप करना लाजमी है। मैं वलीद के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माहम और वलीद के दरमियान कोई मसला बने। माहम की फिक्र तुम छोड़ दो, और रही बात वलीद की, तो उसे ये पता होना चाहिए कि तुम उसके फराइज में शामिल हो। मैं वलीद के फराइज में शामिल नहीं हूँ। वो इस घर का बड़ा बेटा है, हम सबका ख्याल रखना उसका फर्ज है। लेकिन मेरा ख्याल रखना उसका फर्ज नहीं है अम्मी। आप प्लीज गलत बातें मत किया करें। सलमा, इसे क्या हुआ है? बेवकूफ है, इसे अंदाजा नहीं है। मैं जो कहती हूँ इसके भले के लिए कहती हूँ। आखिर बात क्या हुई? छोड़ें, कोई खास बात नहीं है, बस उसे ये फिक्र लगी हुई है कि उसकी वजह से वलीद और माहम के दरमियान कोई मसला ना। उसकी वजह से भला क्यों मसला हुआ? डरती है अम्मी माहम नया बोहतान ना लगा दे। अच्छा, तो क्या अब हमें माहम से डर कर इस घर में रहना होगा? लगता तो ऐसा ही है। ये सब सरमत का किया धरा है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने हम सबको किस जगह पे पहुंचा दिया। अंदाजा है अम्मी, और वो अब शर्मिंदा भी। शर्मिंदा है? क्या मतलब? मर चाहे किरदार का कितना भी पक्का हो, औरत की चालाकियों में आ ही जाता है। खुदा ने मर्द को अकल दी है सलमा। अम्मी बस इंसान बहक जाता है ना कभी कभी। तुम सरमत की वकालत क्यों कर रही हो? अम्मी सरमत कहता है कि वो सभा की बातों में आ गया था, बहक गया था। अम्मी एक बात मानेंगे? कहो। आप सरमत से अब सभा के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। ठीक है। वलीद कहाँ है? वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। उससे कहना शर्मीन के लिए टाइम ले आज डॉक्टर से। जी कह देती हूँ, अगर आप कहें तो मैं ले जाऊँ। क्यों? वलीद को साथ ले जाने में कोई मसला है क्या? मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर वलीद बिजी होंगे तो मैं ले जाऊंगी। इस घर के लोगों का मुकम्मल हक है उस पर, अगर वो मसरूफ भी है तो उससे कहो कि वक्त निकाले। सिर्फ तुम ही नहीं रहती यहाँ, और लोग भी रहते हैं इस घर में। तो आप बेफिक्र रहें, मेरी वजह से वो इस घर के किसी भी फर्द को इग्नोर नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी वजह से तो अभी इस घर में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। दादी माँ, माहम इस घर की इज्जत है, इसके बारे में अपने जहन में बदगुमानियों को जगह मत दे। अगर इज्जत है तो हमें इज्जत देती ना, हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस क्यों बनी? आप खामोशी से सुन लिया करें। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। वलीद,
का ऑफिस में। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारा ऑफिस आने का कोई प्लान नहीं होगा। हम इस ना आने की वजह जानते हैं पापा। देखो बेटा, अगर घर के मामलात का असर बिजनेस पर भी पड़ने लगा तो सालों की मेहनत रायगां चली जाए। जब घर घर ही ना रहे तो फिर बिजनेस किस लिए? ये सब रिएक्शन जरीन की मोहब्बत की वजह से। तुम लोग ये समझते हो कि जरीन की मौत का जिम्मेदार मैं? जिंदगी और मौत का इख्तियार खुदा के पास है बाबा, लेकिन ये सब कुछ जिन हालात में हुआ है वो हालात आपने ही पैदा किए। देखो बेटा, जिंदगी में हालात और ख्यालात बदलते रहते हैं, लेकिन बिजनेस को मुतासर नहीं होना चाहिए इन बातों से। आप जानते हैं कि माहम इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है उस घर में? मुझे अंदाजा है, वो सबको फेस कर सकती है, बशर्ते कि अगर तुम इस मामले में उसे कसूरवार ना समझो। मेरा माइंड अब माहम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर हो चुका है। मुझे सच्चाई का इल्म हो गया है पापा। क्या सच्चाई जान चुके? यही कि सबा आंटी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, आप उन्हें मजबूर कर लेते। बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको कुछ सजेस्ट तो नहीं कर सकता पापा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। आपके घर को, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मेरे बच्चों और मेरे घर के लिए मुनासिब ना हो। थैंक यू वलीद। बेटा सैफ को भी समझा, उसे समझने में कुछ टाइम लगेगा पापा। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोलो, सब खैरियत है ना? जी, शमीन का डॉक्टर से टाइम ले लीजिएगा याद से। अच्छा चलो, मैं डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। फोन पे बता दूंगा, ड्राइवर के साथ चली जाएगी शमीन, ठीक है? ड्राइवर के साथ नहीं भेजेंगी फूफो। तो वो खुद साथ चली जाएंगी ना? नहीं वली, अगर जरी आंटी के होते हुए ये जिम्मेदारी आपने पूरी की थी तब भी आप ही उसे लेकर जाएंगे। अब ये कैसी जिद है माहम? जिद नहीं है वलीद, मैं नहीं चाहती कि इस घर में अब मुझ पर कोई भी बात आए। इस तरह तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए लाइफ को मुश्किल ना होने दें। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा, आप खुश। थैंक्स, बाय बाय। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि हफ्तों हफ्तों बात ही नहीं करती हो? अच्छा ये शमीन से बात करो। हेलो हानी, कॉल काटती है उसने? काटी नहीं होगी, लाइन ड्रॉप हो गई होगी। नहीं सारा, मुझे लगता है कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। नहीं शर्मिल, मामानी की मौत से हानी को बहुत बड़ा धचका लगा है। जब भी उसे फोन करती हूँ सुफियान भाई यही कहते हैं कि हानी बहुत टेंस है।
किसी से भी बात करती है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद ऐसा ही हो। सारा, मैं सोच रही थी कि तुम और सैफ कुछ दिनों के लिए यूके क्यों नहीं चले जाते? शमीन इन हालात में? हानी से भी मिल लेना, उसे हौसला हो जाएगा। कौन जा रहा है हानी के पास? जा कोई नहीं रहा अम्मी, मैं सारा से कह रही थी कि सैफ के साथ कुछ दिन यूके चली जाए, घूम लेगी और वापसी पर हानी से भी मिलती आए। हानी ने तो माँ के मरने के बाद हमें पूछा तक नहीं, जैसे उससे कोई रिश्ता ही ना। अम्मी, हानी खुद बहुत परेशान है। छोड़ो उसे, लेकिन जो शर्मीन कह रही है इस बात पर गौर करो। ये शादी के साथ ही किस किस्म की टेंशन में फंस गए हो तुम लोग? सारा, सैफ को इस माहौल से लेकर बाहर निकलो, घर के मसले तो चलते ही रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? जी, शर्मीन तैयार? हाँ, मैं बुलाती हूँ उसे। अब शर्मीन, मलिक के साथ मैं डॉक्टर के पास जाना है। मेरे पूछ लेकर आती। अमीर नाम से कहते हैं, वो भी साथ चलती। अब तुम रिपोर्ट्स तो लेकर आओ, अब मैं उसे भेजती हूँ। वलीद आया है शर्मीन को ले जाने, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। जी, मुझे बताया है। वो पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं। तुम्हारे जहन में कोई वसवसा है तो तुम भी जा सकती हो, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे कोई वसवसा नहीं है फूफो। तुमने पहले भी सवाल उठाया था, इसलिए मैं सोचा कि पूछ लूं तुमसे। फूफो, मुझे शर्मीन से कोई शिकवा नहीं है और वलीद पर मुकम्मल भरोसा है। वो कह रही है कि उसे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। कोई जरूरत नहीं, जब वो नहीं जाना चाहती तुम लोगों के साथ तो जरूरी है कि उसे मजबूर करो। चलो शर्मी, चले। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हानी को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन अभी हम जा नहीं सकते। मैं जानती हूँ आपको इस बात का खौफ है, मगर आप बेफिक्र रहें, मामू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्हें नानू और अम्मी की शदीद मुखालफत का सामना है। नहीं सारा, अगर उन्होंने ठान लिया तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अम्मी कहती है मामू का इरादा बदल चुका है, वो एडमिट कर चुके हैं। सवाल इन्होंने बहकाया था। अगर पापा के इरादे इतने ही कमजोर हैं, फिर तो वो किसी भी वक्त सबा आंटी के बहकावे में आ सकते। नहीं सैफ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो सोचते हैं। हानी कितना खुश होगी ना हमारे आने का सुनकर। खुश होगी या नहीं,
लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ बैठकर मामा की बातें याद करके अपना गम तो हल्का कर लेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम, तुम पहले उससे पूछ लेना क्योंकि सुफियान अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है। ऐसा ना हो कि हम उन दिनों में चले जाएं जब वो घर पर ना हो। मैं कल से फोन करके पूछ लूंगी। ओके। आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ। मैं ये हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा हूँ शर्मीन का, वो डॉक्टर के पास। वरीद, वापसी पर शर्मीन को कहीं डिनर करा दीजिएगा। What? बेचारी निकलती ही कब है घर से, आज गई है तो करा दीजिए। करवा देता, लेकिन अगर तुम साथ ही ये काम करते ना, तुम्हें भी पिक कर लेते। नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है, भूख लग रही थी। Not fair, ma'am. Please, सलमा भूपो को अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, करवा दूंगा। Bye. Bye bye.